हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता गोयल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्या शेयर करूंगी, आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेरे पास है आज ये लैक्मे के फॉरएवर मैट लिक्विड लिप कलर, जिनका मैं रिव्यू सजेस्ट करूंगी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट द पैकेजिंग। द पैकेजिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके ऊपर कोई भी ट्रांसपेरेंट शील्ड नहीं आई थी, कोई भी आउटर पैकेजिंग नहीं है, ये ही इनकी मेन पैकेजिंग है। सिर्फ ट्यूब साइज है ये पैकेजिंग। तो ये मेन पैकेजिंग ओके ओके, कुछ खास पैकेजिंग नहीं है। बस एक बात ये अच्छी है कि कलर कोडेड है और यहाँ बार कोड है। बार कोड पर सारी डिटेल्स मेंशन थी, प्राइस क्वांटिटी बेस्ट विद और क्या इनका शेड नेम और शेड नंबर है। बॉटम पर भी शेड नेम और शेड नंबर मेंशन है, बट बॉटम पर एक मेरी जो लिपस्टिक है उसकी पैकेजिंग पर नहीं था। ये जो लिपस्टिक है इसके अंदर आपको 30 डिफरेंट शेड्स अवेलेबल हो जाएंगी, बट मैंने 3 शेड्स ली थी। तो इनका ईच का रिटेल प्राइस है 295 रुपीज और ईच के अंदर आपको 5.6 ml प्रोडक्ट मिल जाता है। बेस्ट विद है 3 ईयर्स। तो पहले मैं तीनों शेड्स के आपको हैंड शेड्स दिखा देती हूँ। आपको मैंने बताया कि इसके अंदर आपको 30 डिफरेंट शेड्स मिल जाएंगी। तो पहले मैं लिपस्टिक की एप्लीकेशन की बात कर लेती हूँ। तो इसका जो एप्लीकेटर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसका एप्लीकेटर आप देख सकते हैं, मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसका जो स्पॉन्ज है बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है, स्मूथ नहीं है इसका जो स्पॉन्ज है। एप्लीकेशन बिल्कुल भी इजी नहीं है, जो इसका स्पॉन्ज है वो हार्ड है। आपको लिटरली 4 to 5 टाइम्स डिप करना पड़ेगा आपके लिप्स पर अप्लाई करने के लिए। मुझको भी 4 to 5 टाइम्स या कभी कभी 5 to 6 टाइम अपने लिप्स को कवर करने के लिए इसको अप्लाई करना पड़ता है लिपस्टिक को 295 रुपीज में। इतना बेकार एप्लीकेटर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। इससे अच्छा ब्लू हेवन की जो एलिगेंस मैट लिप कलर है उनका एप्लीकेटर इससे ज्यादा बेटर है। तो मुझे नहीं पता ब्रांड ने क्या सोचकर इसका एप्लीकेटर बनाया है। तो ये जो लैक्मे के फॉरएवर मैट लिक्विड लिप कलर है, इनकी कंसिस्टेंसी थिक नहीं है। मुझे इनका जो टेक्सचर है वो लाइट वेट लगा, वेटलेस लगा, बट कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होनी चाहिए थी। बहुत ज्यादा लिक्विड लगी मुझे। अभी भी मैं हैंड पर अप्लाई कर रही थी तो एकदम ऐसे लग रहा था वॉटर के जैसे है इसकी कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी इसकी थिक नहीं है, थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए थी। तो ये जो लिपस्टिक है इसकी जो पिगमेंटेशन है वो अच्छा है, बट एप्लीकेशन बिल्कुल भी इजी नहीं है, स्मूथ नहीं है, क्योंकि इसका एप्लीकेटर ही अच्छा नहीं है। वन स्टेप इसकी एप्लीकेशन नहीं है, आपको बार बार इसको कोट करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। तो इसका कवरेज वैसे अच्छा है, पिगमेंटेशन अच्छा है, बट इसका एप्लीकेटर अच्छा होता है तो वन स्टेप एप्लीकेशन वो हो जाती इजीली और स्मूथली। ग्लाइड कैसे होगी अगर इसका एप्लीकेटर ही अच्छा नहीं होगा। और ये जो लिपस्टिक है लाइट वेट है, कंफर्टेबल है, आपके लिप्स को ड्राई नहीं करेगी। बट मैं फिर भी आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग इसके पहले अप्लाई करने से पहले लिपस्टिक को लिप बाम अप्लाई कर लें, आप अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लें। बट इनके अगर मैं लॉन्ग लास्टिंग की बात करूँ तो लॉन्ग लास्टिंग इतनी अच्छी नहीं है। लास्ट है आपके लिप्स पर 6 to 7 आवर्स स्टे करेगी। इसका जो फिनिश है वो सॉफ्ट स्मूथ है और इसका जो टेक्सचर है क्रीमी और बटर के जैसे है। आप अपने लिप्स पर अप्लाई करोगे तो थोड़ा लिक्विड लगेगा, बट कुछ सेकंड में सेट हो जाएगा, मैट फिनिश वाला लुक देगा। तो ये लिपस्टिक का जैसे मैंने बताया कि 6 to 7 आवर्स आपके लिप्स पर स्टे करेगी। हैवी या ऑयली फूड खा रहे हैं तो मील खा रहे तो आपके लिप्स पर सर्वाइव नहीं करेगी, आपके लिप्स पर से फेड हो जाएगी, आपको रीअप्लाई करनी पड़ेगी। बट रीअप्लीकेशन थोड़ी इजी नहीं है, आपको अच्छे से या तो रिमूव करके तब अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिप्स को चैपी कर देगा, आपके लिप्स को ऐसे लगेगा कि अलग अलग हो गए लिपस्टिक, क्रैक ही कर सकते हैं आपके लिप्स को। तो ये लिपस्टिक की एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन वाला पार्ट है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बट हाँ ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग ओके ओके। तो ये वाली रेंज की मुझे कुछ बातें पसंद नहीं आई तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, फिर मैं उसके बाद लिप स्वेचे जल्दी से दिखा दूंगी। तो ये वाली लिपस्टिक ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, स्मच प्रूफ नहीं है, वाटर प्रूफ नहीं है और इसकी जो पैकेजिंग है वो भी मुझे अच्छी नहीं लगी।
तो ये वाली रेंज जो है ओके ओके मुझे इतनी कुछ खास नहीं लगी। मैं इन फ्यूचर में इनके जो और शेयर्स है वो ट्राई आउट नहीं करना चाहूंगी। बट हाँ, अगर आप लोगों को डेली वेयर के, अगर आप लोग ऑफिस जा रहे, कॉलेज जा रहे, कॉलेज गोइंग गर्ल्स है, तो आप ये वाली रेंज को ट्राई आउट कर सकते हैं। इतना कुछ खास मुझे इनका फॉर्मूला पसंद नहीं आया। बट हाँ, ये लिपस्टिक वैसे कंफर्टेबल है, लिक्विड मैट वाली है और ये आपके लिप्स को ड्राई नहीं करेंगी। तो मैं अब आप लोगों को इनके लिप स्वेचेस दिखा देती हूँ तीनों शेड्स के जो मेरे पास है। स्वेचेस और रिव्यू लिपस्टिक्स के बारे में। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई। अगर पसंद आएगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे हैं तो आप मुझे वहां पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं, दैट शाइनी अंकिता। और आप मेरी पुरानी वीडियोस भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं, आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।